पुष्कर के मेला मैदान के पास सोमवार को मौत के कुएं में चलाई जाने वाली एक कार बेकाबू हो गई, जिससे कुछ समय के लिए मेला क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। बेकाबू कार अचानक मुख्य मार्ग पर एक ऊंट गाड़ी से टक्कर मारने के बाद उसकी विपरीत दिशा में खिलौने की दुकान में जा घुसी। हादसे में खिलौने बेचने वाला बुजुर्ग घायल हो गया, जिसे लोगों की मदद से राजकीय चिकित्सालय भेजा गया। उधर लोगों ने कार चालक युवक को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना देकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। कार चालक युवक के अनुसार अचानक कार का क्लच वायर खराब होने से यह घटना हुई। हादसे में गनीमत यह रही कि भीड़ के बावजूद बेकाबू कार किसी व्यक्ति को अपनी चपेट में नहीं ले पाई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। अचानक आई अटून आई गाड़ी, मतलब कल बार टूट गया था और ब्रेक नहीं लगा, गाड़ी कट हो गई। मैं चला रहा था, कुछ भी नहीं था, मतलब कलर वाइज, मतलब कलर वाइज ना वो एक्चुअली मारना नहीं था, तो मुझे ब्रेक मारा। हाँ, तो ये चला नहीं था ना मौत के कुएं में, तीन दिन से बंद कर रखा था इसे। तो मैंने मिस्त्री को दिखाया था, तो मैंने बाहर काटा था माल, गाड़ी माल भर रहा था, इस वजह से मैंने हमारी गाड़ी का बाहर काट कराया। यहाँ अभी मेला ग्राउंड में सूचना मिली थी कि कोई मौत के कुएं की जो मारुति कार है वो ड्राइवर कर रहा था, वो जो अचानक अनकंट्रोल होकर वो किसी सामने दुकान में जाके भिड़ गई, उससे दुकान के अंदर एक बुजुर्ग बैठा था वो क्षतिग्रस्त हो गया है, उसके काफ़ी चोटें आई हैं। 108 को फ़ोन कर दिया, 108 आ गई है, उसको अस्पताल भी लेके गई है और पुलिस थाने भी फ़ोन कर दिया, थाने वाले भी आ रहे हैं, व्यवस्था देख ली, सब ठीक है। 348 दिन से शासन प्रशासन और सरकार से अपने ऊपर लगे आरोपों और आर के मार्बल के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर अनशन कर रहे पीरदान को आस अब प्रदेश सरकार और यहां के प्रशासन से टूट चुकी है। बेड़ियों में झगड़ा पीरदान अपने और अपने परिवार के लिए इस न्याय की लड़ाई को लेकर अजमेर से दिल्ली कूच कर रहा है। पीरदान की माने तो उन्हें और उनके परिवार को आर के मार्बल के अशोक पाटनी, विमल पाटनी, पुष्कर पाटीदार सहित अन्य लोगों से जान का खतरा बना हुआ है। इनमें उनके भाई भतीजे भी शामिल हैं। सोमवार को पीरदान ने आईजी, पुलिस अधीक्षक, संभागीय आयुक्त और कलेक्टर से मुलाकात कर बताया कि यदि उनके और उनके परिवार पर कोई आंच आती है तो सारी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। इनकी मौत के बाद पत्नी और खुद की लाश को मेडिकल कॉलेज के हवाले किया जाए, क्योंकि पूर्व में ही देहदान का संकल्प लिया जा चुका है। पीरदान अजमेर से दिल्ली तक संकल्पबंद सत्याग्रह जारी रखेंगे। पूरी की पूरी राजस्थान सरकार हाथ खड़े कर दिए, ऐसे में आर के मार्बल अशोक पाटनी के सामने घुटने टेक दिए, तो अब मैं एसपी, कलेक्टर, कमिश्नर और आईजी और सिविल लाइन थाने से ये रिसीव लेके आया हूँ, इनको सूचना दे दी, मेरी जान को खतरा है और राजस्थान सरकार से न्याय नहीं मिल रहा। आज आपको ज्ञापन दे रहा हूँ, कल जयपुर में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, डीजीपी को और कानून मंत्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और गृह मंत्री गुलाब सिंह जी कटारिया को ज्ञापन दे के रिसीव लेके सीधा केंद्र सरकार जाऊंगा, वहां जाके प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, सुप्रीम कोर्ट के जज, मानव अधिकार आयोग और गृह मंत्री राजेंद्र सिंह जी से जाके गुहार लगाऊंगा कि एक जांच अधिकारी के लिए 348 दिन से बिना अन्न खाए अजमेर कलेक्टर के बाहर बैठा हूं। ये आर के मार्बल की सरकारें है या लोकतंत्र और संविधान की सरकारें चल रहे हैं? मेरी बेटियों पे मुकदमे है, पत्नी पे है, दोनों बेटों पे है और इन सब न्यायालय में है, नोके नो मुकदमे।